रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस आईपीएल का मैच में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर गुजरात टाइटंस को 4 विकेट पर हराया गया। बहुत बढ़िया जीत मिला है आरसीबी को। ठीक ही कह रहे हो, आरसीबी बहुत बढ़िया जीत मिला है और आरसीबी अब पॉइंट टेबल पर 7 नंबर पर है, तो बहुत अच्छा खेला है आरसीबी। अगर पहले से ही इतना अच्छा खेलता तो पॉइंट टेबल में 7 नंबर नहीं 1 या 2 नंबर पर रहता। तो जो हुआ वो तो छोड़ो, वो और कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये जो मैच ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है। गुजरात टाइटन कल पहले बैटिंग करते हुए मानो 20 ओवर भी खेल नहीं पाया और सिर्फ 147 रन बनाया। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, गुजरात टाइटन्स के लिए शुरुआत बहुत ही खराब हुआ था। उनका पावर प्ले में सबसे कम रन हुआ इस सीजन का, 3 विकेट गिर गया था। फिर मानो फिर एक टाइम आया जब शाहरुख खान, डेविड मिलर और राहुल तिवारी ने थोड़ा थोड़ा करके योगदान किया और ये रन बनाया। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, शुरुआत अगर कहा जाए तो रिद्धिमान शाह जो 1 रन किया, शुभमन गिल भी 2 रन किया सिर्फ, साई सुदर्शन 6 रन किया, तो ये तीनों फॉर्म खेल नहीं पाया। शाहरुख खान जो 37 रन बनाया था अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो जो विराट कोहली का जो थ्रो माल की एक थ्रो की वजह से रन आउट होकर चला गया। हाँ नहीं तो और कुछ रन हो सकता था। डेविड मिलर फिर उन्होंने भी अच्छा खेल रहा था लेकिन गलत टाइम पर आउट हुआ। राहुल तिवारी ए अंत तक खड़ा रहा और अच्छा खेला, 21 गेंद पर 35 रन बनाया, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जस दयाल की एक माल की गेंद पर आउट हुआ। और फिर राशिद खान भी अच्छा खासा खेल रहा था, विजय संक्रांत में सब्स्टिट्यूट होकर आया लेकिन 10 रन ही कर पाया और कुछ नहीं कर पाया। अंत में तो मानो 3 विकेट धराधर गिर गया। हाँ और सिर्फ 19.3 ओवर में गुजरात टाइटन्स का इनिंग्स 147 में सिमट गया। हाँ फिर जब मानो आरसीबी बैटिंग करते आया ना, तो डुप्लेसी और कोहली ने क्या कमाल की शुरुआत किया था। हाँ बहुत अच्छा शुरुआत किया था डुप्लेसी और विराट कोहली। अगर ये दोनों ना चलता ना तो आरसीबी हो सकता है मैच हार भी जा सकता था। विराट कोहली जो 27 गेंद पर 42 रन बनाया था, फिर और डुप्लेसी जो 23 गेंद पर 64 रन बनाया था। डुप्लेसी का स्ट्राइक रेट 278 का था, लेकिन फिर इसके बाद कोई बैट्समैन नहीं खड़ा हो पाया। अंत में वो बात अलग है कि दिनेश कार्तिक ने थोड़ा कुछ पारी को संभाला, स्वप्निल सिंह ने, दोनों ने, नहीं तो ये मैच आरसीबी भी हार जाता। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। कल अगर देखा जाए तो डुप्लेसी और विराट कोहली को छोड़कर विल जैक जो 1 रन बना पाया, रजत पतिदार जो 2 रन बनाया, ग्लेन मैक्सवेल 4 रन बनाया, कैमरन ग्रीन 1 रन बनाया, मानो ये जो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर ये चारों फल हुआ है, चारों फल हुआ है। फिर दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह जो ऑलराउंडर है उन ये दोनों ने मैच जिताया। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, अगर ये दोनों का विकेट अगर गिर जाता ना तो आरसीबी ये मैच हार जाता। हाँ कन्फर्म करो ये मैच हार जाता, क्योंकि जीटी का जो मिडिल ओवर में बहुत अच्छा गेंदबाजी किया जीटी का बॉलर ने। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, और जसवा लिटिल ने क्या कमाल की गेंदबाजी किया है। जसवा लिटिल जो 4 ओवर गेंदबाजी करके 45 रन दिया लेकिन 4 विकेट चक्का, नूर अहमद जो 2 विकेट चक्का, ये खेल लिखा चुका। और ये जो आईपीएल का मैच, ये मैच आरसीबी वर्सेस जीटी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। जीटी के लिए वो जो सेमीफाइनल प्ले ऑफ में जाना अब मुश्किल है। जीटी मानो जीटी बेंगलोर आरसीबी मुंबई ये टीम मानो अब आईपीएल से बाहर हो चुका है। हाँ ऑफिशियली अभी भी तो जो बेंगलोर के लिए संभव है, लेकिन वो अनिश्चित क्रिकेट अनिश्चित खेल है वो अलग बात है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है आरसीबी को प्लेऑफ में जाना। तो ये जो लड़ाई है, लड़ाई कोलकाता, हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई और लखनऊ, ये 5 टीम के अंदर ही हो सकता है। और अगर दिल्ली लगातार 3 मैच 4 मैच जीतेंगे तो दिल्ली भी आ सकता है। तो ये 5-6 टीम के अंदर बीच ही ये जो लड़ाई होंगे। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ, और अगर कुछ उलट पुलट ना घटे तो मेरा मानना है कि वो जो राजस्थान रॉयल्स 1 नंबर पर, कोलकाता 2 नंबर पर, 3 नंबर पर मानो हैदराबाद या आ सकता है, 4 नंबर पर चेन्नई, या 3 नंबर पर लखनऊ भी आ सकता है, 4 नंबर पर चेन्नई आ सकता है। तो ये तो देखा जाएंगे, तो तब तक आपको लोगों को और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या राय है, क्या कौन वो जो टॉप 4 आईपीएल का जो प्लेऑफ में हिस्सा लेगा, वो टॉप 4 टीम कौन कौन है, तो आप कमेंट करके बताओ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।